नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम भाटिया और आप सभी का स्वागत करता हूं एकेडमी 123 पर। ठीक है, आज अपन बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि हर बार आपको परेशान करता है और एक दो तीन क्वेश्चन आमतौर पर उस टॉपिक से या उस टाइप के हर साल हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जहाँ पर फिजिक्स आती है वहाँ पर पूछा जाता है। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ वीडियो और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार आए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल ना भूले, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि आने वाले और भी वीडियोज आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग मिलते रहेंगे। ठीक है, तो मैं पहली बार कहता हूँ कि अगर फिजिक्स के अंदर कोई सर्किट आपको पास आता है, सर्किट कैसा होता है, इसके अंदर रेजिस्टेंस लगा है, अगर होमोजेनियस सर्किट है कि सिर्फ उसके अंदर रेजिस्टेंस है तब तो फिर भी सॉल्व कर लोगे, लेकिन मान लो कि उसके अंदर कैपेसिटर भी आ गया, डायोड भी आ गया और फिर इस टाइप से आगे कॉम्प्लेक्स और उसके अंदर कुछ चीज पूछे तो और भी टफ पड़ जाता है। लेकिन अभी अपन बात करेंगे, होमोजेनियस सर्किट का एग्जाम्पल लूंगा, फिर उससे अपन एक एक स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। यहाँ पर देखिएगा तो मैं एक सर्किट डिजाइन करता हूँ आपके सामने। ठीक है, एक सर्किट आमतौर पर जैसे होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी में, कि फॉर एन एग्जाम्पल क्या ले लिया मैंने, तो अगर अपन यहाँ पर किया एक रेजिस्टेंस लिया मैंने, ये दूसरा रेजिस्टेंस ले लिया, ओके, और इसके बाद फिर मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस हो गया, एक ये दूसरा रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, इस टाइप में कभी सर्किट आपको मिले तो कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, मान लो कि मैंने ये ऐसा हो गया, ओके, और इसको अगर ऐसा सर्किट है तो आमतौर पे आपका सीरीज पैरेलल से, अब अगर मान लो कि यहां पर एक और रेजिस्टेंस आ गया तो आप कैसे करोगे। ठीक है, क्योंकि ये रहा नहीं, तो फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे ले दिया 2 ओम, यहां पर फॉर एन एग्जांपल 4 ओम हो गया, 4 तो यहां पे 4 नहीं 5 कर दो, 5 नहीं ये 2 कर दो फॉर एन एग्जांपल, और ये कितना, ये 4, तो ये भी आप 4 कर सकते हो ताकि विद्युत स्टोन न बने, और ये कितना 2 4 3 2 4 रख लो फॉर एन एग्जाम्पल, ये हुआ, ये अपने पास असाइनिंग होगा कि इस टाइप का मान लो कि फॉर एन एग्जाम्पल सर्किट आया तो कैसे करोगे आप। ठीक है, तो इसको सेकंडों में सॉल्व करना है, और इस टाइप के सर्किट आएगा तो 2 या 3 चीजें पूछी जाएगी, क्योंकि ये उनके पास पूछने के लिए है और कुछ नहीं। क्या पूछेंगे वो, पोटेंशियल अक्रॉस द रेजिस्टेंस, पोटेंशियल अक्रॉस द बिटवीन 2 पॉइंट्स, ओके, और करंट इन द ईच कैपेसिटर रेजिस्टेंस, चाहे इस रेजिस्टेंस की बात हो जाए चाहे इसके, इन सब में कौन कौन से करंट फ्लो हो रही है उसका अमाउंट क्या है। ठीक है, ये पूछ सकते हैं, या फिर इसका पूछ सकते हैं आपसे आर इक्विवेलेंट, बस यही 3-4 टाइप उनके पास बचते हैं और इन्हीं में से वो आपको हर साल परेशान करते रहते हैं। ठीक है, तो आज इन सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो बिल्कुल इसको विदाउट इसके किए हुए आपको देखना है। ठीक है, ताकि आसानी से आपको लग जाए। फॉर एन एग्जाम्पल मैंने यहाँ लेता हूँ फॉर कैलकुलेशन पर्पज से 10 वोल्ट, मैंने बैटरी ले ली, तो ये 10 वोल्ट ली तो यहाँ पर भी मुझे 10 वोल्ट मिलेगा और यहाँ पर भी 10 वोल्ट ही रहेगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, दैट्स इट। और यहाँ पर मैंने नोड असाइनिंग में यहाँ पे एक्स कह दिया, यहाँ पर मैंने वाई कह दिया, ये पोटेंशियल है एक्स वोल्ट और वाई वोल्ट, जब मैं इसको कैलकुलेट करके सॉल्व करूंगा नोडल एनालिसिस लगाऊंगा और उसके बाद फिर आसानी से सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर कितना है, यहाँ पर कितना है, दोनों आ जाएगा, तो इसमें करंट कितनी, इनका डिफरेंस लेके 4 से भाग दे दूंगा, इस यहाँ पर पोटेंशियल कितना, यहाँ तो 0 ही से, इनका डिफरेंस लेके 4 से भाग दे दूंगा, इनका डिफरेंस लेके 2 से भाग दे दूंगा, यानी जिसमें मुझे निकालना हो निकालना है, और आर इक्विवेलेंट कैसे निकालना वो भी सारी वीडियो के अंदर बात करेंगे। ठीक है, तो एक इक्वेशन मैं आपके सामने लिख देता हूँ, इसको हटा देते हैं और यहाँ पर एक इक्वेशन अपने पास आ जाएगी। ठीक है, आसानी से ये कितना है, मैं नोड ए की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आपसे बात की जाए कि नोड ए पर क्या है, तो नोड ए पर इसको पॉजिटिव कंसिडर करना, मुझे इसको हमेशा पॉजिटिव, अगर ये नेगेटिव आया तो कोई बात नहीं, वो तो उसके अंदर से माइनस प्लस होकर सब कुछ हो जाए, लेकिन अभी मैं कंसिडर करके चल रहा हूँ, जब इसका साइन कन्वेंशन होता है वो इसको प्लस माइनस मान्य कहता है, दैट्स इट। तो ये मैंने एक्स रखा, एक्स माइनस व्हाट, 0/4, अगेन मैं क्या करूंगा, x माइनस कितना हो जाएगा, x माइनस यहाँ पर कितना है 10, ओके, अपान 2, ओके, फिर यहाँ पर कितना हुआ, ये x और ये y, ठीक है, तो ये मैंने अपान में कितना है आपके पास 4 ओम, ओके, बस यही करना था आपको, क्या करना था कि इसको पॉजिटिव कंसीडर कर, जितने भी कनेक्टेड रेजिस्टेंस थे इससे उनका मैंने डिफरेंस ले लिया, बस ये, और आप जब प्रैक्टिस करते जाओगे तो बहुत आसान हो जाएगा, और इसके अलग वीडियो जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से होगा वो अलग हो जाएगा, लेकिन मैं एक एप्लीकेशन लेवल पर इसका एग्जांपल दिखा रहा हूँ। अब इसको मुझे सॉल्व करना है, तो ये इक्वेशन वैसे यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, तो मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूँ इसमें, तो ये सब 4 हो गए, ये भी 4 और ये इसमें मल्टीप्लाई हो गए, 0 हो जाएगा, तो क्या बचा मेरे पास, 2x और 2x, सॉरी 1x और 2x, 3x और 1x, 4x,
ये कितना हो गया 4x माइनस व्हाट y, ओके y, और ये कितना था यहाँ पर 10 into 20 और ये माइनस का 10 20 था उस साइड जाएगा तो प्लस का 20 हो गया, ये एक इक्वेशन, दैट्स इट, सिंपल सी स्टेप्स है, एक ही स्टेप्स में आपको कैलकुलेशन, हाँ ये आपको कुछ स्टेप्स मन में करनी पड़ेगी, क्यों करनी पड़ेगी मन में, क्योंकि स्पीड और एक्यूरेसी आपको मेंटेन रखनी है, इस सत्य से आपको अवगत होना है, क्योंकि बाकी कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले कुछ भी कहते हैं क्योंकि उनको एग्जाम नहीं देने, एग्जाम आपको देनी है, ठीक है, वो उनको सिर्फ कहना है आपको, दैट्स इट, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको स्पीड मेंटेन रखने के लिए, एक्यूरेसी मेंटेन रखने के लिए आपको शॉर्टकट थोड़ा सा करना पड़ेगा, और इसको मैं अगर 2-3 स्टेप में भी कर सकता हूं, लेकिन वो फिर एक बोर्ड एग्जाम टाइप हो जाएगा, वो फिर कॉम्पिटेटिव एग्जाम का एक उसके अंदर फ्लेवर नहीं देगा, ठीक है, तो ये स्टार्ट किया, और मैं नोट बी की बात करता हूँ आपके सामने, नोट बी पी क्या हो जाएगा, नोट बी पी अपन यहाँ पर यानी वाई, इसको अपन क्या कह देते हैं नोट बी, ठीक है, y को क्या करना है, y माइनस 10 देखिएगा, y माइनस 10 कितना अपॉन 4 प्लस क्या हुआ y माइनस 0 अपॉन कितना हो जाएगा 0 अपॉन 2 और प्लस y माइनस x अपॉन व्हाट 4 और ये मैंने 0 कह दिया इसको, ओके, जब मैंने कह दिया 0 तो यहां पर क्या है, यहां पर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा मेरे पास, ओके, ये हो गया 4 और ये भी 4 गया, ये भी 4 गया, ये भी 4 गया, शून्य से गया, ठीक है, यहां कितना हो जाएगा 2y और सिंगल y 3y एंड 4y, तो आपके पास आ गया व्हाट अपन 4y माइनस 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 व्हाट माइनस x, ओके, इज इक्वल टू ये कितना माइनस 10 उससे जाएगा तो प्लस 10 हो जाएगा, ओके, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई, बस दोनों ही इक्वेशन आपको ध्यान में रखनी है, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, दैट्स इट, उसके बाद कोई भी चीज ध्यान नहीं, मैं थोड़ा इसको हटा देता हूँ, स्पेस अपन को मिल जाए तो कोई बात नहीं, ये पहला इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिखा 4x माइनस y इज इक्वल टू 20, ठीक है, और इन सबको मैंने हटाया, फिर आया है आपके पास 4y माइनस x, तो ये हो गया 4y माइनस x देन व्हाट अपन 10, ओके, That's it. इनसे मैं क्या कर सकता हूँ, x y की वैल्यू निकाल सकता हूँ, यानी ये समझाने की आवश्यकता क्या, 10 से पढ़ते आ रहे हो इसको तो ठीक है, तो ये तो आता है आपको, तो क्या करना है 4 से मल्टीप्लाई कर दो इसमें, That's it. तो ये कितना हो जाएगा, ये आपके पास यहीं पर अगर इस इक्वेशन को रीराइट करूं तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 4x माइनस y इज इक्वल टू 20 और ये कितना हो जाएगा 16y माइनस 4x इज इक्वल टू 40, ओके, जब मैंने एड अप किया इसको तो ये क्या हो जाएगा, ये तो ये कैंसिल और ये कितना हो गया 15y is equal to ये 60 then y है 4 volt, बस ये आपके पास आ गया, ये यहाँ पर y की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 4 volt आ गई, ओके, जो y की वैल्यू 4 volt इसके अंदर मैं रखूंगा या इसके अंदर रखूं किसी के भी अंदर रख सकता हूं, तो ये मैंने y की वैल्यू 4 रखा और 4 रखा ये 24 volt और 24 में 4 से डिवाइड किया तो 6 आ गया, ओके, तो x की वैल्यू भी मेरे पास कितनी आ गई 6, इसको निकालने की आवश्यकता है क्या आपको आता है, और सिर्फ एक स्टेप है क्या है, ओके, सिर्फ एक ही स्टेप का है क्या है, यहां पर 4x रखा मैंने, यहां पर कितना आया 4 वोल्ट आया, ये अगर 20 आया तो ये कितना हो जाएगा 4x is equal to 24 और x की वैल्यू कितनी हो गई 6 हो गई, ये तो मेरे पास निकला है, ये तो 6 वोल्ट आया है जस्ट, अब जब ये 6 वोल्ट आ गया तो अब सारे काम हो गए मेरे पास, कुछ करना ही नहीं है मुझे दोस्तों, क्या नहीं है, कुछ नहीं करना है, सब कुछ हो चुका है, क्या ये यहाँ पर कितना यहाँ पर आ गया है 6 वोल्ट और यहाँ पर आया 4 वोल्ट, बस अब मैं सारे यहाँ पर कितना होगा 6 माइनस 10 तो ये कितना हो गया यहाँ पर 4 वोल्ट हो गया, इसके अक्रॉस 6 वोल्ट हो गया, इसके अक्रॉस ये 4 है यहाँ 0 होती है 4 वोल्ट ही हो गया, यहाँ 10 है यहाँ 4 है तो यहाँ पे 6 वोल्ट हो गया, कहने का मतलब सारा आपने निकाल लिया, कोई कुछ इसके अंदर रॉकेट साइंस है, यहाँ 4 वोल्ट, अब क्या करना है, अब मुझे निकालना है आर इक्विवेलेंट, क्योंकि अगर उसने पूछा कि इन सभी आर्म्स में कितनी करंट होगी तो आसानी से निकाल लोगे ना आपके, क्या करोगे 6 माइनस 0 अपॉन 4 तो इसके अंदर कितनी करंट वो निकल जाएगी, अब मानना हो कि 10 माइनस 6 अपॉन 4 10 माइनस 6 अपॉन 2 2 ओम है तो ये कितना हो जाएगा तो 4 अपॉन 2 तो 2 एम्पीयर करंट इसमें आ गई, ऐसे ही इसका निकालोगे, ऐसे ही इनका डिफरेंस कितना है 4 माइनस 6 माइनस 4 अपॉन 4 तो ये जो भी आएगा 2 बाय मतलब हाफ एम्पीयर करंट इसमें फ्लो हो रही, तो आपके पास जो भी मेथड हो उस मेथड से भी अगर आपको निकालोगे तो यही आंसर आएगा और इससे भी आप टेली कर सकते हो, कहने का अर्थ है कि बहुत ही आसान चीज है, अब अपन सारी चीज मैं आर इक्विवेलेंट निकाल के बताता हूं, क्योंकि सारे वोल्टेज डिफरेंस या
पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर हम निकाल चुके हैं, ठीक है। अब इनके अंदर करंट कितनी कितनी होगी वो भी सेकंडों में निकल सकती है। यहाँ यहाँ पर करंट कितनी होगी, 10 - 6/5, यानी ये हो गया 4, 10 - 6, 4/2, तो ये 2 एम्पियर करंट हो गई मेरे पास आया। ओके, यहां जा रही है 2 एम्पियर करंट है और यहां जा रही है वो कितनी है, देखिएगा आप, 10 - 4 कितना होता है 6, और 6/4 कितना होगा, 6/4 एम्पियर करंट कितनी होगी, ये हो गया आपका वाटर पंप 3/2 यानी 1.5, आपके पास आ गया 1.5 या 3/2 भी रख सकते हैं। इसमें जो करंट जा रहा है वो कितना जा रहा है, 3/2 एम्पियर। दैट्स इट, अब तो पूरा ही क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया, मेरे पास कुछ बचा ही नहीं है दोस्तों। अब क्या करना है आपको कि आर इक्विवेलेंट मुझे अगर निकालना है तो देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप चल रही है, आर इक्विवेलेंट निकालना है इनटू जो आई इक्विवेलेंट है वो इज इक्वल टू वी। वी कौन सा है, जो 10 वोल्ट मैंने बैटरी लगाई उसका वोल्ट है, तो ये मैंने 10 वोल्ट दे दिया। ओके, 10 वोल्ट देने के बाद अब मैं क्या करूंगा कि आर इक्विवेलेंट तो मुझे निकालना ही है क्योंकि यही तो पूछता है आमतौर पर, आर इक्विवेलेंट पूछता है। लेकिन आप इसको निकालने के लिए क्या करोगे, सीरीज पैरेलल, फिर वो किरचॉफ लॉ और उन सबको सर्किट को सॉल्व करोगे, 2-3 वेरिएबल आएंगे और फिर वो सारी चीज होगी, उसके बजाय इसको फॉलो कीजिए। आई इक्विवेलेंट क्या होगा, I1 + I2, यही तो होगा, इज इक्वल टू 10 है ही से मेरे पास। जो यहां पर करंट आएगी वो क्या होगी, वो इन्हीं दो ब्रांच में तो गई होगी, और इन्हीं दो ब्रांच में कितनी करंट गई है, यहां पर आ रहा है 2 एम्पियर + 3/2, दैट्स इट, हो गया काम। तो R इक्विवेलेंट कितना हो गया, व्हाट अपॉन 2/3/2 इज इक्वल टू 10, तो R इक्विवेलेंट निकालिए आप, ये आपके पास हो जाएगा 20, और ये 2 × 4 = 3 = 7, ये R इक्विवेलेंट हो गया है। और X की वैल्यू आपके पास कितनी आ चुकी है ऑलरेडी, 6 वोल्ट, Y की वैल्यू आपके पास कितनी आ चुकी है, 4 वोल्ट, ये सारे पैरामीटर आपको सेकंडों में आ चुका है। R इक्विवेलेंट निकाल लिया है, आपके पास I इक्विवेलेंट आ चुकी है, जो I कितने, 2 × 4 = 7, तो ये 7/2, ये आपके पास I भी आ चुकी है, I भी आ चुका है, R इक्विवेलेंट भी आ चुका है, वोल्टेज अक्रॉस इस पोटेंशियल आ चुका है। इस एक मास्टर सर्किट से हमने क्या क्या चीज फाइंड कर ली, इससे सब चीज फाइंड कर ली हमने कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर, और प्रत्येक आप चाहो तो वो भी निकाल सकते हो कि ईच रेजिस्टेंस या कैपेसिटर जो आएगा उसका एक अलग, वो भी इसी टाइप से मैं सॉल्व करके बताऊंगा, लेकिन वो अगर आपका इंटरेस्ट रहा तो मुझे कमेंट करके बताइए। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस हो या कैपेसिटर हो, थोड़ा सा चेंजेस आता है उसमें, क्या करता है वो अपन देखेंगे फिर आगे, ठीक है। तो इनमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ पर कितना, सब तो आ चुका है आपके पास, क्या बचा है अब इसमें, और टोटल इसका रेजिस्टेंस कितना आ रहा है, पूरे रेजिस्टेंस का जो आर इक्विवेलेंट, वो आर इक्विवेलेंट मेरे पास आ चुका है, आर इक्विवेलेंट आ चुका है दोनों बिंदुओं के बीच, ये आ चुका है। उसके बाद ईच आर्म में कितनी एम्पीयर करंट फ्लो हो रही है वो आ चुकी है, टोटल इक्विवेलेंट करंट कितनी है वो आ चुकी है, यानी सब कुछ आ चुका है आपके पास। और अगर इसमें से कोई भी ऑप्शन पूछता है तो आप उसको टिक कर सकते हो, बस इसको मास्टराइजेशन करना आपको, प्रैक्टिस करनी बार बार, उसकी थ्योरी और ये सारी चीज में लिखवा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में आपको। अगर ये पसंद आता है तो आपको वही बात लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।